और कितनी दूर दराज की आत्मा यहाँ आकर के अलग होकर के पड़े यहाँ बैठ करके उसने जो अपना कार्यक्रम यदि शब्द का आवाज का नाम का साधु का जो आधार था छूट गया अब सतर्क हो गया ग्यारह दो अब इसमें कितनी शक्ति थी कितनी चेतना थी उससे ये सभी चला रही है शरीर को परवरिशते रही जितने उसके अंदर क्षमता है कोई तरह शरीर को जमा जिसको ये शरीर चला रही उसको इसको अगर आप ठीक रखोगे पांचों तत्वों को समाप्त तो कोई बीमारी नहीं होगी जब किसी तत्व की कोई कमी होने लगे तो फौरन जब तक तुम तो उसको मिला दो अग्नि तत्व तुरंत उसको मिला दो पृथ्वी तत्व को मैं उसको मिला दो वायु तत्व को मैं उसको मिला दो आकाश तत्व की कमी है तो उसको इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़ा समाजों का यानी संशोधन किया था कि पांचों तत्व का ये शरीर बना हुआ और जब ये तत्व की कमी होगी तो बुद्धि पागल ये पागल हो जाएगी दो शब्द की कमी हो जाए तीन शब्द की कमी हो जाए चार शब्द जब चार शब्द की कमी हो तो इज्जत हो जाए दो शब्द की कमी होगी तब भी की पृथ्वी पर रहता है नगर से कुछ नहीं इस तरह से जब शब्दों की कमी होती है तो बुद्धि पागल हो जाती है ये बात हम जानते नहीं फिर व्यवस्था से कहते हो हमारे विजय इस विधि बात का प्रयास करते बंद कर दीजिए व्यास और ये बताया जाए कि भाई तुम्हारे शरीर में कुछ कमी है उसको पूरा करो पूछ रहे होते बताए तो चले आते जैसे मैंने इतना बड़ा अस्पताल खोल रखा है ये तुरंत मतलब लेकिन तुम उसके अनुकूल चलो तब तो वो भी हो जाए लेकिन उसके विपरीत करते हैं तो वो नहीं हो पाता तो स्वस्थ जीवात पांच दोनों आंखों के पीछे बैठे हुए नाम को छोड़ चुके साधु को छोड़ चुके उसका संबंध टूट गया और फिर वो नीचे अलग होकर के ऊपर के साथ इसका संबंध रही थी अब इंद्रिया अच्छे से अच्छे बढ़ती है अब इंद्रिया आपके भोगों में इतनी रद हो गई इतनी आदि हो गई वहां हो गया रोबोट कर दिया और मनुष्य करवा देता कभी यहाँ दरवाजे रखते कहा दरवाजे अपने दांत करवा देता कभी मुखारी उसको पैर करके रख देता स्वाद आ गया उसकी आनंद आ गया उसकी गाय जब तक मन इंद्रिया जब तक भोगों की तरफ से ना आते और मन इंद्रियों के दरवाजे से ना आते तो सोच कर खाते थे जब इंद्रिया जाएगी भोगों की तरफ से तो मन को अच्छे का मौका मिल जाए फिर मन ढीला हो जाए क्योंकि इंद्रियों में अगर मेरा मन समझ गया और मन जाते तो हटेगा तो मन को चाहिए रहे तो मन जब फुरस्त कर पाते तब तो वो आवाज आप सुनाई जो नाम है जो पाजे रखते हैं जो आकाश है वो सुनाई जब वो सुनाई दे तब आप फुरस्त मिले अच्छाई तब आनंद मिले तब ज्ञान मिले और शक्ति मिले कभी जीवात्मा में ताकत पाए तो जब जीवात्मा में ताकत आई तो फिर यह जब मन कमजोर हो जाएगा भोगों की तरफ से ऐसे तो मन बड़ा बलवलित हो जाएगा क्योंकि मन भी ऊपर ही प्यारा तो ये भी बलवान हो जाएगा फिर लेकिन वो इंद्रियों की तरफ से कमजोर हो जाएगा फिर उधर नहीं जाएगा अच्छा तो महात्मा की छुट्टी बताते थे वो इसीलिए ऐसी समस्या है आप ये ऐसा करो आज कम करो फिर कल कुछ करो फिर कुछ के बाद कुछ करो फिर लगा रखो फिर तड़प रखो फिर रो फिर गाना गाओ कोई प्रार्थना करो इस तरह से धीरे 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 मन को ढीला कर लेते और तब फिर कारक कर मुझे करने लगता था कान खुलते थे आप खुलते जब आवाज आती है तो ये वहीं से आवाज आती है काम जब आवाज को पकड़ोगे तो रस्ता में जाओगे जब यहाँ से चढ़ते रस्ता पर उसमें खींचने की शक्ति है आकर्षण है जब खर्च जब नाम आवाज को खींचेगा
तो ऊपर की तरफ ले जाएगा तो वही पहुंचाएगा जिससे आवाज निकल रही है, तो निकल रही जहां से आवाज निकल रही उसका विचार होगा उसके लिए कितने तुम्हारी बात है। इस तरह से पौड़ी सीढ़ी उसने बना रखी है जैसा स्थान से दो घंटे सर की आवाज को पकड़ के चलो तो कैदल कमर में पहुंचो ऊपर से उसके लिए वैसे उसकी आवाज ऊपर से भी आती है लेकिन वो सुनाई तो देगी लेकिन आप अगर सिद्धांत होगा तो जब आप सीढ़ी भी चलोगे और मतलब ये समाज के अंदर जब ले होंगे तो ऊपर की आवाज सुनाई देगी एक छूट जाएगी दूसरे देखे भी एक का दर्शन हो जाएगा उसी के मुख में से जाते हैं ऊपर की आवाज जब वह देखे जो वहां जब उसका धर्म का दर्शन होगा तो ऊपर की आवाज आए तो कौड़ी कौड़ी सीढ़ी सीढ़ी एक स्थान दूसरे दूसरे बीच में जो रचना है बहुत बड़ी अद्भुत है वो रचना है मुझे देखा क्योंकि ऐसा तो नहीं जान बंद करके चले गए और जी देख रहे हो और तो जैसे यहां से जाओ तो रस्ते बहुत रचना तो मुंबई जाओ तो दिल्ली जाओ रस्ते रचना पड़ेगी ऐसे ऊपर की तरफ जाओ तो पूरी रचना और दिव्य रचना दिव्य लोग अलौकिक लोग अनेकों से मान विचित्र विचित्र रचना थी पूर्ण जो खाई देंगे उसे पूर्ण प्रयत्न की अंदर दिखाई देगी प्रयत्न में गुरु की जरूरत पड़ेगी अंधकार में भी गुरु जरूर प्रकाश हो जाएगा तब भी गुरु की जरूरत काम आप हो जाएंगे जब भी गुरु की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो गुरु उधर आता जाता नहीं होगा बताएगा उधर तो आप कर नहीं सकोगे एक क्षण एक उधर से मान मान जी जोड़ सकते उतने आवाज निकल जाएगी तो गुरु के बल से उधर जाना होता है कोई नहीं जाता बड़े बड़े पेड़ की तमाम बिछु हो जाए ऊपर जैसे है तो तुम उसको बदल करोगे तो बहुत ध्यान करें तो तमाम बिच्छू तमाम हो जाए भूत बेकार तमाम सामने आ करके और एकदम और वो अपना ध्यान में मिलते हैं बड़े बड़े फर्क हर जैसे फुस्तार मारने वाले कि जिनकी फुस्तार को एकदम निकल जाए ऐसे जहरीबे और वो तो सब अंदर कांकड़ा में मिलते हैं ऐसा नहीं है ये सब जंदूत जिसको कहते हैं ये सब दिखाई देते हैं कैसे ले जाते हैं पकड़ के खा ले जाते हैं कैसे मारते हैं किस तरह नसों में जाते हैं कितने नर्क हैं किस प्रकार के बच्चे हैं किस ना मारे जाते हैं कौन सी सजा दी जाती है ये सब दिखाई देता है कि ज्ञान शत्रु के द्वारा जब किसकी खुलती है तब ये सब कुछ दिखाई देता है सुबह के जो अंदाज जमान होगा ये मरते कैसे जलम से कैसे कौन निकाल के ले जाता कौन डालता है किस जरिए से डाले जाते हैं किस जरिए से निकाले जाते हैं तो इनको तो कुछ मालूम है तो देखते हैं कभी उसको पता नहीं क्या थी हवा ठीक क्या है उसको चला जाता नहीं है अरे तो कुछ नहीं बहुत तो कुछ किताब में लिखा हुई आत्मा है तो आत्मा के लिए कह दोगे भाई उसको सर्वास्त हो गया बस इतना ही सब कुछ करना होता है बाकी देखा ना तुम ले ना उसके चारे जरिए में किसी में देना और ऐसे सब चला के सर्वास्त अरे देखोगे तभी तो होगा सर्वास्त और देखा है का कुछ नहीं है सबको रहा है ऐसा नहीं देखने वाले ही सब को खाते जिनने देखा हो उनको नहीं मिलता वो आपके कर्म भी अच्छे नहीं कि चलो कभी पुण्य जमा हो गया तो ऐसे पुण्य जमा हुए कि सब लोगों को उनको बात मिल जाए और सबको नहीं और ये महात्माओं के पास में पुण्य भी बनते हैं पाप नाश हो जाते हैं पुण्य भी नाश होते हैं पाप भी नाश होते हैं जीवात्माएं निर्मल होती हैं और धीरे से उनकी कृपा से मदद से युक्ति से कुछ अपनी मेहनत से कुछ अपनी तरफ से दोनों के सहयोग से काम बन जाता है तो आप लोग ये जो झुक कर भुला हुआ रहता और झुक झुक की भोली भटकी आत्मा इसको समझा लीजिए जल्दी ये बहुत सुगम है बहुत सीधा है जो हजारों वर्षों में लोग इस विद्या को नहीं पा पाते हैं और चंद ही दिन में लोगों को प्राप्त होने लगती है और दो मिनट की कमाई में खाली नहीं उठता है दो मिनट मेहनत करो उसकी मजदूरी दो दस मिनट मेहनत करो उसकी मजदूरी हो जब मजदूरी मिलती जाएगी तो संतुष्टि होगी और विश्वास होगा कि मैं
मेहनत से मजदूरी मिलती है, ये करना चाहिए। फिर लोगों को विश्वास हो जाता है और गंभीर हो जाते हैं और सागर में फिर जुट जाते हैं। और जिस मेहनत में मजदूरी न मिले तो जो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं उनको मजदूरी नहीं मिलती है, ताकि अंतिम घटना लोग निराश हो जाते हैं। गलत रास्ते में बैठ करके आप दरवाजा खटखटाओगे कभी भी बोलेगा नहीं, और सही दरवाजा मिल जाए खटखटाओगे बोलेगा, तब तो फिर वो सही दरवाजा खोल ही देगा। वो तो है, चेतन है, जागता है, कभी सोता नहीं, कभी गहरा नहीं होता, कभी आँख नहीं बंद करता, वो तो चौबीसों घंटे जैसे पहले वैसे अभी। तो ऐसे आदमी को कहा ऐसे पुरुष को आप गहरा कैसे कह सकते हो, ऐसी शक्ति को कोई गहरा नहीं कह सकता। तो है आप लोग सकते तो मैं तो सोच रहा था कि किसी तरह से घेराबंदी करके लोगों को उसको इस रास्ते बता दिया जाए, जिससे कि लोग अपना बचा हुआ समय कुछ अपनी आत्मा के लिए दे दें। लेकिन आदमी जिसको न समझकर तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जल्दी के तो संत और महात्मा तो हर काम को करना चाहते हैं, वो सब काम सीधे सिखाए होते हैं। जब करना जानते हैं, कराना जानते हैं, नीचे सिखाए होते हैं तो सिखा भी देते हैं, चले चलाए होते हैं चला भी देते हैं, देते हैं खाते हैं वो सब कुछ। उनके पास ज्ञान होता है, धर्म का पता होता है, शक्ति होती है, शक्ति का पता